तुरंत लॉक खुल जाता है मास्टर की से, ये ऐसी चाबी रखता है अपने साथ में। आज दो मिली है, ये तकरीबन 8 से 10 के बीच में आता है। आज क्या लेने आए थे? कुछ नहीं, साइकिल लेने आते हैं। कहाँ लेके जाते हो साइकिल? कबाड़ी के बेचते हैं दुकान वाले। अच्छा, कितनी चोरी किया उस टाइम? 70-80 के करीब। 70-80 साइकिल चोरी कर लिया? आज भी चोरी करने आए थे? कहाँ लेके जाते हो साइकिल? गेट पे बेच देते हैं, दुकान पे बेच देते हैं। दुकान पे बेचते हो? क्या करते हो बेच कर? बस खा पी ले। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के सिविल अस्पताल के पुलिस पोस्ट के सामने की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। बता दें कि पानीपत का सिविल अस्पताल चोरों का अड्डा बना हुआ है। आए दिन यहां से बाइकें, साइकिलें और भी जो सामान है वो लगातार चोरी हो रहा है। लगातार चोरी की जो घटनाएँ हैं वो सामने आ रही हैं और अब पुलिस पोस्ट के बाहर हम मौजूद हैं, जहाँ जो पुलिस के जो होमगार्ड के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि सिविल अस्पताल में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर तो लगातार हम आपको सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन आज जो अपनी स्क्रीन पर आप एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं, इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि लगातार ये सिविल अस्पताल से साइकिल चोरी करते आ रहे हैं। और आज एक CCTV फुटेज के आधार पर इसको पकड़ा है। क्या कुछ पूरा मामला है? होमगार्ड के जवान लगातार सिविल अस्पताल में घूमते हैं ताकि चोरी की जो वारदातें हैं, चोरी की जो घटनाएं हैं वो उन पर अंकुश लगाया जा सके। सबसे पहले बातचीत करने का प्रयास करेंगे उसी से जिसके ऊपर आरोप लगाए। क्या नाम आपका? सोमदत्त है। सोमदत्त, कुछ बोल। आज क्या लेने आए थे अस्पताल में? कुछ नहीं, साइकिल लेने आते हैं। कहाँ लेके जाते हो साइकिल? कबाड़ी के बेचते हैं दुकान वाले के। अच्छा, कितनी चोरी किया उस तक? 70-80 के करीब। 70-80 साइकिल चोरी कर लिया? आज भी चोरी करने आए थे? हाँ। कहाँ लेके जाते हो साइकिल? गेट पे बेच देते हैं जी। दुकान पे बेच देते हैं। दुकान पे बेचते हो? क्या करते हो बेचकर? बस खा पी ले हैं जी। खा पी ले, खाने पीने के लिए साइकिल बेचते हो? काम नहीं करता कुछ? कोई काम धंधा और नहीं है? कोई दूसरा काम नहीं है आपके पास? नहीं। और भी लोग आपके साथ या अकेले? मैं अकेला ही हूँ। कितने पैसे कमाए आज तक? मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, जो कमाया ये साइकिल बेचता रहा, खाता पीता रहा, बस किराया बढ़ा। सारे सिविल अस्पताल से उठाए साइकिल? हाँ। क्या नाम बताया? सोमदत्त। तो सोमदत्त ये अपना नाम बता रहे हैं और करीब 70-80 साइकिलें इन्होंने सिविल अस्पताल से उठाई है। खुद ये जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो कबूल कर रहे हैं कि ऑन कैमरा कि उन्होंने सिविल अस्पताल से 70-80 साइकिलें चुराई हैं और आज वो पानीपत सिविल अस्पताल में साइकिल चोरी करने के लिए ही पहुंचे थे, लेकिन पकड़े गए मौके पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, लगातार यहाँ पर चोरी हुई है, पुलिस टीम लगातार घूमती है, आज कैसे ये पकड़ा गया? कई दिन, 3 दिन पहले भी इसने एक साइकिल चोरी की थी, उसकी फुटेज उसके आधार पर हम सुबह 6 बजे यहाँ आके अपने बैठ जाते हैं। टीम को अलग अलग दिशा में बिठाया, जैसे ही आया इसको सिविल ड्रेस में जैसे ही आया इसको देख लिया, पहचान लिया और इसका पीछा किया। ये भाग के हॉस्पिटल के गेट टूटा हुआ था उससे बाहर निकल गया, वहाँ जाकर होमगार्ड के जवान ने और दैया साहब ने, सुरेंद्र जिया ने इनको वहाँ दबोचा पकड़ा। सुबह किस टाइम ये सर अब पहुँचा था सिविल अस्पताल में? क्या जी? किस समय आया सुबह? आज सुबह 7:30-8 बजे आता है यो, 8:15-9 बजे तक जब भीड़ होती है OPD में, उस चीज़ टाइम यो वहाँ मौका देकर साइकिल उठाकर निकल जाता था, पीछे के गेट से टूटे हुए गेट से रफू चक्कर हो जाता था। तो हर रोज सुबह सुबह ही चोरी करता था? नहीं, हफ्ते में 2-3 बार 8 से 9 या 10 बजे तक जब भीड़ होती थी जब ये भीड़ का मौका फायदा उठाता था। आज क्या कुछ मिला इसके पास? 2 चाबियां मिली हैं, एक साइकिल उठाता हुआ मिला है यो, और ये फुटेज हमारे पास इसकी 3 साइकिल इसने पहले उठाई उनकी फुटेज भी है। कितनी बार साइकिलें चोरी जो है वो कबूली है? 80-90 के करीब बता रहा है यो अभी तो, और जांच में पता चलेगा। जांच में पता चलेगा। दैया साहब क्या कहना चाहोगे? आपकी टीम लगातार घूमती है ताकि चोरी की जो घटनाएं लगातार सिविल अस्पताल में हो रही हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। आज एक बड़ी सफलता आपको मिली है क्योंकि जो गरीब लोग यहां पर इलाज लेने के लिए आते हैं वो उनकी साइकिलें तक चोरी हो जाती है और फिर दर दर की ठोकरें उन लोगों को खानी पड़ती है और ये लोग अपने शौक पूरे करने के लिए साइकिलें चोरी कर लेते हैं। 2 दिन पहले ही हमारे DSP साहब ने हमें सख्त निर्देश दिए थे कि भाई चोरियाँ बहुत हो रही हैं, सख्ताई करो। उसके बाद HO साहब ने हमारे को आदेश दिया भाई चोरियाँ रोको, हम सिविल ड्रेस में होमगार्ड का सुनील जवान और ये अपना मोनू होमगार्ड का अजमेर जी बावर्ती थे, हम सिविल ड्रेस में थे,
हमने इसको रिकी करी। रिकी करने के बाद ये ओपीडी के बाहर ही दो चाबी ले हुए एक साइकिल के पास खड़ा हुआ था, साइकिल नहीं खोल पाए, लॉक नहीं खोल पाया। उससे पहले ही हमने इसको दबोच लिया, ये गेट कूदने लग गया बाहर का, वहीं दबोच लिया हमने इसको। उसके बाद हम इसको चौकी में लेकर आए हैं आज। अभी इससे इन्हें कबूल किया है कि मैंने 80 से 90 साइकिल उठाई हैं, जो एक राजेंद्र नाम का कबाड़ी है उसको बेची है, और एक बिल्लू नामा कबाड़ी है उगराखेड़ी रोड पर उसको बेची है इन्हें। तो दिया साहब उनको भी बुलाया जाएगा जिनके पास लगातार ये चोरी की साइकिलें भी। अगली कार्रवाई अपना जो हमारा थाना शहर पानीपत है वहाँ इसको एंड ओवर करेंगे अभी एच साहब को, वो अपने अगली तब्दीश में एच साहब करेंगे। अब तो लगता है अब जो लोग चोरी का शिकार लगातार हो रहे थे, अब चोरी की जो घटनाएं लगातार आ रही थी उन पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। ये प्रोफेशनल चोर है, इसी ने ये 80 से 90 कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मिलेंगे इसके पास। तब्दीश आगे चलेगी तो उसके बाद बहुत ज़्यादा साइकिल मिलेंगे इसके पास। इसके साथ कोई और भी है कुछ, इसने ऐसा भी कबूला है कोई अकेला करता है ये काम या कोई और भी इसके साथ? नहीं, फिलहाल तो अभी ये अकेला ही कह रहे हैं, लेकिन बाकी आगे देखते हैं। हम एच साहब को एंडोर करते हैं, सिटी एच ओ को इसको ले जाके जा रहे हैं वहीं पर, और वहीं आगे कार्रवाई एच साहब करेंगे। तो शातिर चोर है, करीब 70 से 80 साइकिलें हैं वो सिविल अस्पताल से चोरी कर चुका है। जी ये बताइए, लगातार आप सिविल ड्रेस में भी घूमते हैं, आज एक आपको बड़ी सफलता मिली है? हाँ जी सर, सुबह मैं यहाँ फील्डिंग बैठा रहा था, 8 बजे फील्डिंग बैठाई थी मैंने इसके ऊपर, तो उस टाइम मैंने पहले फुटेज देखी फिर इसका नक्शा देखा, तो मेरे दिमाग में बात आ गई भाई चोर यही है। तो इन्ना मेरे देखते साथ इसने चश्मे लगा लिए, तो ये एकदम फर्स्ट फ्लोर पे गया, मैंने इसका पीछा किया फर्स्ट पे, देखिए सेकंड फ्लोर पे गया, फिर पीछा गया, फिर लिफ्ट में आया, ये लिफ्ट में आया पीछा, फिर ये जो पिछला गेट है ना वहाँ दबोचा जी मैंने ये। तो आपके आपको देखकर भागा भी है? भागा जी, ये इसके दो चाबी मिली है साइकिल की इसके पास। साइकिल खड़ी थी उस समय कोई, या किस समय साइकिल चोरी करता है ये? इसका टाइमिंग क्यों, परसों इसने है ना जी 8:23 पर साइकिल उठाई थी, उस फुटेज के आधार पर मैंने इसका वो है। तो होमगार्ड के जवान हैं सुनील कुमार, उनसे भी बातचीत हुई है, जिन्होंने सुबह से ही ये तलाश की थी और लगातार वो सिविल ड्रेस में यहाँ पर चक्कर लगा रहे थे ताकि ये शातिर चोर है वो पकड़ा जाए, क्योंकि लगातार जो लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं उन लोगों की साइकिल को ये अपना निशाना बनाते हैं। 70 से 80 करीब साइकिल इन्होंने कबूली है, और भी साइकिलें जो है वो कबूल सकते हैं। जो जाँच है, जाँच में क्या कुछ और खुलासा होता है वो जाँच का विषय है, लेकिन करीब 80 से 90 साइकिलें बताया जा रहा है। देखिए ये दो चाबी ये हैं जी, ये दो मास्टर की इसके पास मिली हैं, ये किसी भी साइकिल में लगाओ तुरंत लॉक खुल जाता है इस मास्टर की से, ये ऐसी चाबी रखता है अपने साथ में। आज दो मिली हैं, ये तकरीबन 8 से 10 के बीच में आता है हॉस्पिटल में, उसके बाद ही चोरी करता है। 8 से 10 तक काफ़ी भीड़ होती है हॉस्पिटल में, ओपीडी वगैरह में, कोई रिक्शा वाला है कोई बेचारा फैक्ट्री वाला है वो अपने खड़ी कर जाता है, और ये 2 ही मिनट लगाता है सिर्फ साइकिल चोरी करने में। सिविल अस्पताल से लेते और कहीं से भी चोरी करते और नहीं कहीं से, बस यही से। तो तस्वीरें आपने देखी पानीपत के सिविल अस्पताल के गेट पर जो पुलिस पोस्ट बनाया गया है उसमें होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं ताकि चोरी की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन आज अपनी स्क्रीन पर आप एक ऐसे व्यक्ति को देख पा रहे हैं जिसने, इस शख्स ने खुद कबूला है कि ये लगातार सिविल अस्पताल से साइकिल चुराता है, और आज सुबह भी ये साइकिल चोरी करने के लिए यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन होमगार्ड के जवानों ने जैसे ही CCTV के आधार पर इसको मौके पर पकड़ लिया है। आप भी अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं वो व्यक्ति खुद ये कबूल रहा है कि उसने लगातार सिविल अस्पताल से जो साइकिल चोरी है वो लगातार वो कर रहा था, और आज फिर वो साइकिल चोरी करने के लिए सिविल अस्पताल में पहुँचा था, लेकिन सुबह ही होमगार्ड के जवानों ने उसे धर दबोचा। अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर दें, और इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज पानीपत। ये दो मास्टर की इसके पास मिली है, ये किसी भी साइकिल में लगाओ तुरंत लॉक खुल जाता है मास्टर की से, ये ऐसी चाबी रखता है अपने साथ में। आज दो मिली है, ये तकरीबन 8 से 10 के बीच में आता है। आज क्या लेने आए थे अस्पताल? कुछ नहीं, साइकिल लेने आते हैं। कहाँ लेके जाते हो साइकिल? कबाड़ी के बेचते हैं दुकान वाले। अच्छा, कितनी चोरी किया उस टाइम? 70-80 के करीब। 70-80 साइकिल चोरी कर लिया, आज भी चोरी करने आए थे? कहाँ लेके जाते हो साइकिल? गेट पे बेच देते हैं, दुकान पे बेच देते हैं। दुकान पे बेचते हो, क्या करते हो बेचते? बस खा पी ले।
नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के सिविल अस्पताल के पुलिस पोस्ट के सामने की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। बता दें कि पानीपत का सिविल अस्पताल चोरों का अड्डा बना हुआ है। आए दिन यहां से बाइकें, साइकिलें और भी जो सामान है वो लगातार चोरी हो रहा है। लगातार चोरी की जो घटनाएँ हैं वो सामने आ रही हैं और अब पुलिस पोस्ट के बाहर हम मौजूद हैं, जहाँ जो पुलिस के जो होमगार्ड के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि सिविल अस्पताल में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर तो लगातार हम आपको सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन आज जो अपनी स्क्रीन पर आप एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं, इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि लगातार ये सिविल अस्पताल से साइकिल चोरी करते आ रहे हैं और आज एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसको पकड़ा है। क्या कुछ पूरा मामला है, होमगार्ड के जवान लगातार सिविल अस्पताल में घूमते हैं ताकि चोरी की जो वारदातें हैं, चोरी की जो घटनाएं हैं वो उन पर अंकुश लगाया जा सके। सबसे पहले बातचीत करने का प्रयास करेंगे उसी से जिसके ऊपर आरोप लगाए। क्या नाम आपका? सोमदत्त है। सोमदत्त, कुछ बोल। आज क्या लेने आए थे अस्पताल में? कुछ नहीं, साइकिल लेने आया था। कहाँ लेके जाते हो साइकिल? कबाड़ी के बेचते हैं, दुकान वाले के। अच्छा, कितनी चोरी किया उस तक? 70-80 के करीब। 70-80 साइकिल चोरी कर लिया। आज भी चोरी करने आए थे? हाँ। कहाँ लेके जाते हो साइकिल? गेट पे बेच देते हैं जी। दुकान पे बेच देते हैं। दुकान पे बेचते हैं। क्या करते हो बेचकर? बस खा पी ले हैं जी। खा पी ले, खाने पीने के लिए साइकिल बेचते हो? काम नहीं करता कुछ? कोई काम धंधा और नहीं है? कोई दूसरा काम नहीं है आपके पास? नहीं। और भी लोग आपके साथ या अकेले? मैं अकेला ही हूँ। कितने पैसे कमाए आज तक? मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, जो कमाया ये साइकिल बेचता रहा, खाता पीता रहा, बस किराया भाड़ा। सारे सिविल अस्पताल से उठाए साइकिल? हाँ। क्या नाम बताया? सोमदत्त। तो सोमदत्त ये अपना नाम बता रहे हैं और करीब 70-80 साइकिलें इन्होंने सिविल अस्पताल से उठाई है। खुद ये जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो कबूल कर रहे हैं कि ऑन कैमरा कि उन्होंने सिविल अस्पताल से 70-80 साइकिलें चुराई हैं और आज वो पानीपत सिविल अस्पताल में साइकिल चोरी करने के लिए ही पहुंचे थे, लेकिन पकड़े गए मौके पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, लगातार यहाँ पर चोरी हुई है, पुलिस टीम लगातार घूमती है, आज कैसे ये पकड़ा गया? कई दिन, 3 दिन पहले भी इसने एक साइकिल चोरी की थी, उसकी फुटेज उसके आधार पर हम सुबह 6 बजे यहाँ आके अपने बैठ जाते हैं, टीम को अलग अलग दिशा में बिठाया, जैसे ही आया इसको सिविल ड्रेस में जैसे ही आया इसको देख लिया, पहचान लिया और इसका पीछा किया। ये भाग के हॉस्पिटल के गेट टूटा हुआ था उससे बाहर निकल गया, वहाँ जाकर होमगार्ड के जवान ने और दैया साहब ने, सुरेंद्र जिया ने इनको वहाँ दबोचा पकड़ा। सुबह किस टाइम ये सर अब पहुँचा था सिविल अस्पताल में? क्या जी? किस समय आया सुबह? आज सुबह 7:30-8 बजे आता है यो, 8:15-9 बजे तक जब भीड़ होती है ओपीडी में उस चीज टाइम यो वहाँ मौका देकर साइकिल उठाकर निकल जाता था, पीछे के गेट से टूटे हुए गेट से रफू चक्कर हो जाता था। तो हर रोज सुबह सुबह ही चोरी करता था? नहीं, हफ्ते में 2-3 बार 8 से 9 या 10 बजे तक जब भीड़ होती थी जब ये भीड़ का मौका फायदा उठाता था। आज क्या कुछ मिला इसके पास? 2 चाबियां मिली हैं, एक साइकिल उठाता हुआ मिला है यो, और ये फुटेज हमारे पास इसकी 3 साइकिल इसने पहले उठाई उनकी फुटेज भी है। कितनी बार साइकिलें चोरी जो है वो कबूली है? 80-90 के करीब बता रहा है यो अभी तो, और जांच में पता चलेगा। जांच में पता चलेगा। दैया साहब क्या कहना चाहोगे, आपकी टीम लगातार घूमती है ताकि चोरी की जो घटनाएं लगातार सिविल अस्पताल में हो रही हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। आज एक बड़ी सफलता आपको मिली है क्योंकि जो गरीब लोग यहां पर इलाज लेने के लिए आते हैं वो उनकी साइकिलें तक चोरी हो जाती है, फिर दर दर की ठोकरें उन लोगों को खानी पड़ती है और ये लोग अपने शौक पूरे करने के लिए साइकिलें चोरी कर लेते हैं। 2 दिन पहले ही हमारे DSP साहब ने हमें सख्त निर्देश दिए थे कि भाई चोरियाँ बहुत हो रही हैं, सख्ताई करो। उसके बाद HO साहब ने हमारे को आदेश दिया भाई चोरियाँ रोको, हम सिविल ड्रेस में होमगार्ड का सुनील जवान और ये अपना मोनू होमगार्ड का अजमेर जी बावर्ती थे, हम सिविल ड्रेस में थे, हमने इसको रेकी करी। रेकी करने के बाद ये OPD के बाहर ही 2 चाबी ले हुए एक साइकिल के पास खड़ा हुआ था, साइकिल नहीं खोल पाए, लॉक नहीं खोल पाया, उससे पहले ही हमने इसको दबोच लिया, ये गेट कूदने लग गया बाहर का, वहीं दबोच लिया हमने इसको। उसके बाद हम इसको चौकी में लेकर आए हैं आज, अभी इससे इन्हें कबूल किया है कि मैंने 80-90 साइकिल उठाई हैं, जो एक राजेंद्र नाम का कबाड़ी है उसको बेची है और एक बिल्लू नामा कबाड़ी है उगरा खेड़ी रोड पर उसको बेची है इन्हें। तो दिया साहब उनको भी बुलाया जाएगा जिनके पास लगातार ये चोरी की साइकिलें? अगली कार्रवाई अपना जो हमारा थाना शहर पानीपत है वहाँ इसको एंड ओवर करेंगे अभी HO साहब को,
वो अपने अगली तफ्तीश में हिसाब करेंगे। अब तो लगता है अब जो लोग चोरी का शिकार लगातार हो रहे थे, अब चोरी की जो घटनाएं लगातार आ रही थी उन पर अंकुश लगेगा? बिल्कुल, पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। ये प्रोफेशनल चोर है, इसी ने ये 80-90 कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मिलेंगे इसके पास। तफ्तीश आगे चलेगी तो उसके बाद बहुत ज़्यादा साइकिल मिलेंगे इसके पास। इसके साथ कोई और भी है कुछ, इसने ऐसा भी कबूला है कोई अकेला करता है ये काम या कोई और भी इसके साथ? नहीं, फिलहाल तो अभी अकेला ही कह रहे हैं, लेकिन बाकी आगे देखते हैं। हम एच साहब को हैंड ओवर करते हैं, सिटी एच ओ को, इसको ले जाके जा रहे हैं वहीं पर और वहीं आगे कार्रवाई एच साहब करेंगे। तो शातिर चोर है, करीब 70-80 साइकिलें हैं वो सिविल अस्पताल से चोरी कर चुका है। जी ये बताइए, लगातार आप सिविल ड्रेस में भी घूमते हैं, आज एक आपको बड़ी सफलता मिली है? हाँ जी सर, सुबह मैं यहाँ फील्डिंग बैठा रहा था, 8 बजे फील्डिंग बैठाई थी मैंने इसके ऊपर, तो उस टाइम मैंने पहले फुटेज देखी, फिर इसका नक्शा देखा, तो मेरे दिमाग में बात आ गई भाई चोर यही है। तो इन्ना मेरे देखते साथ इसने चश्मे लगा लिए, तो ये एकदम फर्स्ट फ्लोर पे गया, मैंने इसका पीछा किया फर्स्ट पे, फिर सेकंड फ्लोर पे गया, फिर पीछा गया, फिर लिफ्ट में आया, ये लिफ्ट में आया पीछा, फिर ये जो पिछला गेट है ना वहाँ दबोचा जी मैंने ये। तो आपके आपको देखकर भागा भी है? भागा जी, ये इसके दो चाबी मिली है साइकिल की इसके पास। साइकिल खड़ी थी उस समय कोई, या किस समय साइकिल चोरी करता है ये? इसका टाइमिंग क्यों, परसों इसने है ना जी 8:23 पर साइकिल उठाई थी, उस फुटेज के आधार पर मैंने इसका वो है। तो होमगार्ड के जवान हैं सुनील कुमार, उनसे भी बातचीत हुई है, जिन्होंने सुबह से ही ये तलाश की थी और लगातार वो सिविल ड्रेस में यहाँ पर चक्कर लगा रहे थे ताकि ये शातिर चोर है वो पकड़ा जाए, क्योंकि लगातार जो लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं उन लोगों की साइकिल को ये अपना निशाना बनाते हैं। 70-80 करीब साइकिल इन्होंने कबूली है, और भी साइकिलें जो है वो कबूल सकते हैं। जो जाँच है, जाँच में क्या कुछ और खुलासा होता है वो जाँच का विषय है, लेकिन करीब 80-90 साइकिलें बताया जा रहा है। देखिए ये दो चाबी ये हैं जी, ये दो मास्टर की इसके पास मिली हैं, ये किसी भी साइकिल में लगाओ तुरंत लॉक खुल जाता है इस मास्टर की से, ये ऐसी चाबी रखता है अपने साथ में। आज दो मिली हैं, ये तकरीबन 8 से 10 के बीच में आता है हॉस्पिटल में, उसके बाद ही चोरी करता है। 8 से 10 तक काफ़ी भीड़ होती है हॉस्पिटल में, ओ पी डी वगैरह में, कोई रिक्शा वाला है, कोई बेचारा फैक्ट्री वाला है, वो अपने खड़ी कर जाता है, और ये 2 ही मिनट लगाता है सिर्फ साइकिल चोरी करने में। सिविल अस्पताल से लेते और कहीं से भी चोरी करते? और नहीं कहीं से, बस यही से। तो तस्वीरें आपने देखी पानीपत के सिविल अस्पताल के गेट पर जो पुलिस पोस्ट बनाया गया है उसमें होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं ताकि चोरी की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन आज अपनी स्क्रीन पर आप एक ऐसे व्यक्ति को देख पा रहे हैं जिसने, इस शख्स ने खुद कबूला है कि ये लगातार सिविल अस्पताल से साइकिल चुराता है, और आज सुबह भी ये साइकिल चोरी करने के लिए यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन होमगार्ड के जवानों ने जैसे ही CCTV के आधार पर इसको मौके पर पकड़ लिया है। आप भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं वो व्यक्ति खुद ये कबूल रहा है कि उसने लगातार सिविल अस्पताल से जो साइकिल चोरी है वो लगातार वो कर रहा था, और आज फिर वो साइकिल चोरी करने के लिए सिविल अस्पताल में पहुँचा था, लेकिन सुबह ही होमगार्ड के जवानों ने उसे धर दबोचा। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर दें, और इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत। ये दो मास्टर की इसके पास मिली है।